तो आज हम बात करने वाले हैं एचटीएमएल फॉर्म के बारे में। तो एचटीएमएल फॉर्म क्या होता है, कुछ इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये क्या होता है कि आपका जो भी यूजर का डेटा होता है उसे लेने के लिए होता है, और इस डेटा को हम सर्वर पर भेजते हैं, या फिर हम इसे डेटाबेस पर रखने के लिए भेजते हैं, या फिर किसी चीज़ के लिए जरूरत में लेते हैं। इसलिए यहाँ पे फॉर्म्स का यूज होता है। तो ये एचटीएमएल का जो फॉर्म है वो काफी वास्ट है, यहाँ पे आपका यहाँ पे टॉपिक्स है, काफी सारे इसमें टॉपिक्स है, इसलिए हमें इसमें थोड़ा सा ज्यादा समय लगने वाला है। तो इसलिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए आप इसके साथ बने रहिएगा। तो हम इस वीडियो में एक एक करके सारी चीजों के बारे में जानेंगे कि एचटीएमएल फॉर्म में क्या क्या टाइप्स होते हैं, इनपुट्स के क्या क्या, लेबल क्या होता है, क्या क्या टेक्स्ट एरिया, ये सारी चीजें हम लोग जानेंगे। तो चलिए मैं आपको टेक्स्ट एडिटर पर ले चलता हूँ और मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बतलाता हूँ। तो फॉर्म बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना हो, एक फॉर्म टैग खोलना होगा और इसके अंदर आपको सारी चीजें लिखना हो। तो सबसे पहले चलिए मैं एक इनपुट बना लेता हूँ कि कैसा इनपुट दिखता है। तो एक सिंपल सा है, हम लोग इनपुट बना लेंगे। और ये इनपुट जो टैग होता है वो सेल्फ क्लोजिंग होता है, तो आपको इस फॉर्म की तरह इसको क्लोज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसे जैसे ही सेव करते हैं तो देखिए एक इनपुट एलिमेंट आ गया। तो इसका हम लोग को अभी पता नहीं चल रहा है कि इसका आगे क्या है, किस चीज़ का डेटा भरना है। तो हम इसके आगे क्या लगाएंगे, एक लेबल लगाएंगे, ठीक है। तो हम एक लेबल लगा लेते हैं और लेबल के अंदर हम लोग लिख देते हैं यूज़र नेम। तो इससे पता चल जाएगा यूजर को कि यहाँ पे हम लोग को यूजर नेम डालना है, इसलिए हम यहाँ पे इस तरीके से यूजर नेम डाल सकते हैं। तो उसी तरीके से हम अब एक पासवर्ड का भी सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेबल और इसके अंदर एक पासवर्ड बना लेंगे और इसके जस्ट नीचे एक और इनपुट बना लेंगे। और इनपुट हम लोग लिख देते हैं, रुकिए, इनपुट हम बना लेंगे इस तरीके से, और इस तरीके से देखिए दो बन गया। तो हमें क्या करना होगा, ये देखिए एक सिंगल लाइन में आ रहा है, तो इसको हम लोग को ब्लॉक एलिमेंट बनाना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे डिप टैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो दोनों को एक एक करके डिप टैग के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। पहला वाला डग गया और अब ये दूसरा वाला भी डाल देते हैं, इसे कट करके इसे डिप टैग के अंदर हम डाल देंगे। तो दोनों हम लोग का डिप टैग के अंदर आ गया, इसे हम ब्रेक कर देते हैं। तो अभी आपको पता नहीं चल रहा हो कि ये इनपुट किस टाइप का, तो इसको हमको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि ये किस टाइप का। तो फिलहाल हम यहाँ पे लिख देते हैं टाइप में टेक्स्ट, ठीक है, TEX। तो इससे पता चलेगा जब भी हम डेटा भेजेंगे तो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही जाएगा। और अगर आप पासवर्ड लिखते हैं तो जैसे यहाँ पे भी लिखा रहा है, तो पासवर्ड में यह हिडन हो जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग को इनपुट में या स्पेसिफाई करना होगा टाइप में पासवर्ड। तो हम टाइप में लिख देते हैं पासवर्ड। तो अब देखिएगा ये हाइड हो गया, हमें कुछ भी लिखेंगे तो ये हिडन फॉर्म में आएगा, यहाँ पे डॉट डॉट करके आएगा, जिससे पता नहीं चलेगा कि पासवर्ड ही है। लेकिन एक दिक्कत आपको ये देखने को भी मिल रही होगी, जैसे कि मैं देखिए इसे हटा देता हूँ, तो मैं जैसे इस यूजर नेम पे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर ये नहीं आ रहा इनपुट। तो इसको लाने के लिए लेबल में हम लोग को ये दोनों को लिंक करना होगा। तो लिंक कैसे करना है, सिंपली आपको यहाँ लिखना है फॉर मतलब इसको पता चल जाए किसके लिए, इस इनपुट के लिए। तो यहाँ पे हम लोग एक नाम लिख देते हैं यूजर नेम, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक आईडी देना होगा जिससे ये दोनों लिंक हो सके। तो आईडी और फॉर वाला में जो जो आपने यूज किया सेम रहना चाहिए। तो यहाँ भी हम यूजर नेम ही डालेंगे, ठीक है। अब इसे सेव कर देंगे। तो देखिए मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूंगा तो देखिए इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया, इस पर क्लिक करा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक आ गया। तो अब हम उसी तरीके से पासवर्ड में चलिए वही चीज कर देते हैं। तो यहाँ भी एक फॉर बना देते हैं, फॉर पासवर्ड, और इसके अंदर भी हम लोग एक क्या करेंगे, आईडी स्पेसिफाई करेंगे, इसमें भी लिख देंगे पासवर्ड और इसे सेव कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, जो कि आप एक यहाँ ऐड कर सकते हैं। मैं एक बटन ऐड कर देता हूँ, बटन, और इसे यहाँ पे लिख देते हैं सबमिट। और बटन में आपको फॉर्म के नीचे टाइप बताना पड़ता है कि क्या बटन है। तो यहाँ पे हम लोग टाइप में लिखेंगे सबमिट। सबमिट लिखने से अब पता चल जाएगा सबमिट हो रहा है। तो जैसे ही हम यहाँ कुछ टाइप करते हैं तो देखिए यहाँ कुछ हो नहीं रहा। तो यहाँ पे हम लोग को एक्शन देना हो कि फॉर्म को क्लिक करने के बाद क्या होगा, ठीक है, डेटा सर्वर में कैसे जाएगा। तो यहाँ पे एक एक्शन एट्रीब्यूट आपको यूज करना है। और यहाँ पे मैं दूसरा जो भी एक फाइल है उसको अटैच कर देता हूँ। तो एक रिजल्ट नाम से एक फाइल बना लेता हूँ, रिजल्ट डॉट एस टी एम एल, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, एक रिजल्ट डॉट एस टी एम एल का एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जाना है और इसके अंदर ही मैं बना लेता हूँ एस टी एम एल के अंदर एक रिजल्ट डॉट एस टी एम एल,
और मैंने यहाँ पे कुछ जावास्क्रिप्ट का फाइल लिखा है, तभी ये क्या करेगा इसको यहाँ पे लाएगा, तो इसको हम सेव कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्क्रिप्ट है जो कि आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी ये फिलहाल HTML का कोर्स है, तो यहाँ सिर्फ डेटा दिखाने के लिए इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेथड प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि यहाँ फॉर्म टैग कहाँ है, फॉर्म टैग यहाँ रहा, तो इसके अंदर हम लोग लिखेंगे मेथड। तो मेथड के अंदर यहाँ पे दो टाइप के मेथड है, गेट और पोस्ट। तो गेट से क्या होता है कि आपका जो भी डेटा होता है, आपके सर जो वेबसाइट है, इधर उधर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड से क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो सर्वर में जाता है। तो अभी मैं चलिए पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं जैसे ही इस पर सबमिट करूँगा तो देखिए कैसा ही रहता है। तो यहाँ पे बता रहा है पेज इज नॉट वर्किंग, क्योंकि अभी फिलहाल हमने कोई सर्वर यहाँ पे अटैच नहीं किया। तो इस हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ इनपुट डाल देते हैं, जैसे यूज़र में अंशु लिख देता हूँ, पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ। लेकिन जब मैं इसमें सबमिट कर रहा हूँ तो यहाँ पे डेटा शो नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा। तो इसको लाने के लिए यहाँ पे एट्रीब्यूट लगाना पड़ता, तो वो कैसे लगेगा, एक एट्रीब्यूट आता है नेम। तो नेम से क्या होता है कि ये आप डालिएगा तो ये आपका नेम फॉर्मेट से स्पेसिफाई होता है कि आपका जो भी डेटा था किस नाम से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम यूज़र नेम से यहाँ पे डेटा भेजना चाहते हैं अपने सर्वर पर, और यहाँ पे हम लोग भेजना चाहते हैं नेम में लिख देंगे पासवर्ड, तो पासवर्ड नाम से हमारा जाएगा। अब देखिए मैं जैसे सेव करता हूँ, यहाँ कुछ लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए जो URL है उसमें यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। तो गेट मेथड से यही होता है कि आपका जो भी डेटा है वो आपके लिंक के थ्रू दूसरे पेज तक पे जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से गेट मेथड यहाँ पे काम कर रहा है इस तरीके में। तो चलिए हम इसमें कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूज़र नेम में मान लीजिए कि यहाँ पे अगर आपको वैल्यू डालना है किसी चीज़ का, तो कि डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ डालना है, तो आपको इनपुट में क्या लिखना होगा, जैसे इनपुट में आप लिख दीजिए वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ डू सम कोडिंग, ठीक है। इसके अंदर मैं डाल दूंगा तो देखिए यहाँ पहले से ही शो कर रहा है। मैं पेज को रिलोड करूँगा फिर भी यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है। और अगर आप यूज़र को चाहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना शो करे और यहाँ पे ऐसा शो करे कि यहाँ पे क्या डालना है, तो वो भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे प्लेस होल्डर को यूज़ कर सकते हैं। तो प्लेस होल्डर से यही होता है कि आपको वहाँ पे शो करता है कि डालना क्या है, आपने कई सारे फॉर्म में देखा होगा। तो हम यहाँ पे यूज़र नेम ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे यूज़र नेम डालना, जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। देखिए यहाँ जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ ये हट जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पासवर्ड में भी हम यहाँ पे प्लेस होल्डर को डाल सकते हैं। तो इनपुट में हम जाएंगे और पासवर्ड के अंदर ही प्लेस होल्डर डाल देंगे पासवर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे शो करेगा कि हमें पासवर्ड डालना है, ठीक है। तो ये भी तरीका अच्छा था। अभी इस फॉर्म में दिक्कत यह है कि अगर कोई यूज़र बिना कुछ डेटा फिलअप किए हुए यहाँ पे आगे बढ़ सकता है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे डेटा अगर नहीं भरता है यूज़र तो मुझे आगे नहीं जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड देना होगा। इससे होगा क्या कि जब तक यूज़र वहाँ पे डेटा भरेगा नहीं तब तक वो आगे नहीं जा सकता। तो हम यहाँ रिक्वायर्ड लिख देते हैं और इस इनपुट में भी हम लोग रिक्वायर्ड लिख देंगे। और जैसे इसे सेव करेंगे तो देखिए अब मैं यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे एरर बोलेगा कि इस फील्ड को यहाँ पे भरना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं, और अब मैं सबमिट करूँगा तो फिर एरर बोलेगा कि पासवर्ड मैंने नहीं डाला। तो यहाँ रिक्वायर्ड फील्ड का यही यूज है कि अगर आप डेटा को यहाँ पे भरवाना चाहते हैं ज़बरदस्ती कि बिना डेटा भरे नहीं जा सकते आप, तो यहाँ पे आप रिक्वायर्ड फील्ड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम एक और यहाँ पे इनपुट देख लेते हैं जो कि ईमेल के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, एक डिप टैग प्रीसेट खोलना है और इसके अंदर हम लोग लेबल लिख लेते हैं ईमेल फॉर किसके लिए, ईमेल, और इसके जस्ट अंदर हम लोग लिख देते हैं ईमेल, और इसके नीचे हम लोग इनपुट में हम लोग टाइप में लिख देंगे ईमेल, और नेम हम लोग उसी तरीके से ईमेल, और आईडी भी ईमेल दे देते हैं, ठीक है। और प्लेस होल्डर में भी डाल देते हैं ईमेल आईडी। तो जैसे ही हम लोग इसे सेव किया तो यहाँ पे देखिए ईमेल का एक इनपुट बन गया। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी ईमेल नहीं डालेंगे और ऐसे ही सेव करेंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्या ही रह जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है @ नहीं मिसिंग है, तो इसके वजह से पता चल रहा है इसे कि ये ईमेल है। तो ये वैलिडेशन उतना कारगर नहीं है, इसे जावास्क्रिप्ट के जरिए आप और वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ईमेल डालता हूँ तो अब ये कि यहाँ सबमिट ले ले रहा है।
तो अब हम क्या करेंगे, एक चेकबॉक्स क्रिएट करने वाले हैं। तो चेकबॉक्स इनपुट कैसे बनता है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले फिर से हम लोग एक डिवेलपमेंट खोल लेते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, मान लीजिए चूज फ्रूट, ठीक है, चूज फ्रूट हम लोग लिख लिया। इसके जस्ट नीचे हम लोग लिखेंगे लेबल, और लेबल किसके लिए है, फॉर एक फ्रूट का नाम लिख देते हैं जैसे बनाना, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग एक लिख लेते हैं बनाना, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक इनपुट लिखेंगे, और इनपुट में आपको जो टाइप है उसके नीचे आपको लिखना है चेकबॉक्स, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो चेकबॉक्स अगर टाइप दीजिएगा तभी आपको चेक करने का ऑप्शन देगा। तो नेम में हम लोग लिख देते हैं बनाना, और उसी तरीके से आईडी में भी हम लोग लिख लेते हैं बनाना, ठीक है, और इसी चीज को हम लोग दो बार पेस्ट कर देते हैं नीचे। और यहाँ पे हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, फ्रूट का बनाना के जगह हम लोग लिख लेते हैं एप्पल, ठीक है, और इसे हम लोग सेव कर देंगे। और जैसे ही हम लोग सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे चेकबॉक्स का ऑप्शन आ गया, इसे आपको सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो अगर आपको करना है कि एक बार में एक ही सेलेक्ट हो, तो उसके लिए आपको यहाँ पे रेडियो बटन चुनना होगा, ठीक है। तो फिलहाल मुझे यहाँ बनाना है, यहाँ मैंने चेंज नहीं किया, तो इसको भी चेंज कर देते हैं यहाँ एप्पल, तो अब ये सेव हो गया। तो देखिए अब एप्पल हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते थे, चेकबॉक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक बार में एक ही ऑप्शन सेलेक्ट हो, तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करना होगा, एक रेडियो वाला इनपुट देना होगा। तो उसके लिए क्या करना है, फिर से आपको यहाँ पे एक डिप टैग खोलना होगा, और डिप टैग के अंदर तो इस बार हम लोग जेंडर सेलेक्ट करने का इनपुट बनाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जेंडर लिख देंगे और इसके जस्ट नीचे एक और डिप टैग खोलेंगे, ठीक है। डिप टैग के अंदर अब हम लोग क्या करेंगे, एक लेबल लिखेंगे, और लेबल में लिखेंगे फॉर मेल, ये मेल के लिए हम लोग बना रहे हैं मेल, और यहाँ पे नाम लिख देंगे मेल, ठीक है। इसके जस्ट नीचे हम लोग इनपुट बनाएंगे जिसमें हम लोग टाइप में लिख देंगे रेडियो, और यहाँ पे हम लोग का नेम, तो नेम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नेम है आपका जो कैटेगरी चुनना है उसके नाम पे होना चाहिए, क्योंकि अगर नेम सबका कॉमन नहीं रहेगा तो ये रेडियो बटन काम नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे नेम में जेंडर लिख देते हैं, और यहाँ आईडी में उसी तरीके से मेल लिखना है मेल, और इसी को हम लोग नीचे एक और बना लेते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ मेल के जगह हम लोग को लिखना है फीमेल, फीमेल, और यहाँ भी कर लेते हैं फीमेल, फीमेल। और जैसे ही इसे सेट करेंगे तो देखिए यहाँ पे दो को मेल और फीमेल चुनने का ऑप्शन आ गया। तो मैं एक मेल पर भी चुन सकता हूँ, या इस पर चुनूंगा तो ये हट जाएगा। तो इस तरीके से आप रेडियो बटन्स को क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम चलिए देखते हैं कि सेलेक्ट इनपुट को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सेलेक्ट इनपुट के लिए सबसे पहले एक और डिप टैग खोलना है, सॉरी डिप टैग, और उसके अंदर हम लोग एक लेबल लगा लेते हैं, फ्रूट्स का ही लगा लेते हैं, चलिए फॉर फ्रूट्स, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे चूज फ्रूट, ठीक है, और इसके जस्ट नीचे एक आपको ऑप्शन खोलना है सेलेक्ट। तो सेलेक्ट वाला जो आप देख रहे हैं ये वाला, तो ये आपका सेल्फ क्लोजिंग नहीं है फॉर्म में, ये आपका आपको इसे बंद भी करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग नेम में डाल देते हैं जो हम लोग ने फॉर्म में चुना था, तो फ्रूट फ्रूट्स लिख देते हैं, और आईडी में भी हम लोग वही फ्रूट्स ही डाल देते हैं फ्रूट्स। और इसके अंदर अब आपको क्या करना, ऑप्शन लिखना है कि कौन कौन से ऑप्शन देने हैं जो कि यूजर चुनेगा। तो यहाँ पे वैल्यू में हम लोग डाल देते हैं बनाना, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं बनाना, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पे डाल देते हैं, तो ऑप्शन के लिए तो यहाँ पे हम लोग डाल देंगे एप्पल, और यहाँ पर भी एप्पल, और इस जगह में हम लोग डाल देंगे एप्पल, तो हम लोग डाल लिया। यहाँ पे हम लोग डालते हैं ऑरेंज, 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 यहाँ भी ऑरेंज डाल दिया हम लोगों ने,
अब इसे सेव करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे चुनने आ रहा है, यहाँ से आप इसे चुन सकते हैं और सबमिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। तो यूज़र नेम में अंशु डाल दिए, यहाँ पासवर्ड कुछ भी डाल दिए और ईमेल में जिब्रिश सा कुछ डाल के .com कर दिए और यहाँ पे बनाना चुने मेल में यहाँ चुन लिए और यहाँ पे एप्पल चुनते हैं और सबमिट करते हैं। तो देखिए इस तरीके से फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो रहा है, अभी भी चाहिए सही से काम कर रहा है। तो इस तरीके से सेलेक्ट का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सेलेक्ट यहाँ पे दो तीन चीज़ आप एक साथ सेलेक्ट करें, तो इसके लिए आपको क्या करना हो, सेलेक्ट में आपको स्पेसिफाई करना है कि मल्टीपल हमको यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप सिंपली लिख दीजिएगा मल्टीपल और इसे सेव करिएगा। तो आप अगर इसको ऐसे टैप करके रखिएगा तो दो तीन आप चुन सकते हैं। तो देखिए ये कैसे काम कर रहा है, इसको चेक करने के लिए यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं और इसे टिक 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 सबमिट। देखिए यहाँ पे तीन डायरेक्ट चुना गया। तो इस तरीके से सेलेक्ट का आप यूज़ कर सकते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कोई भी फाइल को अगर आपको किसी यूज़र से लेना है तो वो कैसे आप लेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम फिर से क्या करेंगे, एक डिप टैग बना लेंगे और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे लेबल और लेबल के अंदर लिख देंगे किसके लिए यूज़ करना है, फाइल के लिए। इसके अंदर हम लोग लिख देंगे फाइल और इसके जस्ट नीचे अब हम लोग इनपुट देंगे और इनपुट में टेक टाइप में हम लोग लिख देंगे फाइल। तो अब हम लोग इसको आईडी दे देते हैं उसी नाम से, तो फाइल नाम से ही आईडी रहेगा और नेम में हम लोग उसी तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं फाइल। ठीक है, ये इतना कर देंगे और यहाँ पे सेव करेंगे। तो फिलहाल ये वर्क नहीं करेगा, आपको फॉर्म में स्पेसिफाई करना है कि आपका जो डेटा है वो मल्टी पार्ट, यानी मल्टी पार्ट मतलब बड़ा फाइल जब भी आप भेजते हैं तो उसको मल्टी पार्ट में आपको भेजना पड़ता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना होगा ENC और टाइप। ठीक है, और टाइप में आपको लिखना है मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डेटा। जब भी आप वीडियो ऑडियो और कुछ भी फाइल रिलेटेड चीज़ भेजना चाहते हैं तो आपको ये स्पेसिफाई करना ही होगा। ठीक है, और उसके बाद हम इसे यहाँ पे जाके फाइल को चुन सकते हैं जो फाइल हम लोग को भेजना है। ठीक है, तो हम यहाँ से मेरा HTML का यहाँ पे काफ़ी सारे इमेज है तो चलिए इसी को भेजते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम कुछ भी डाल देते हैं email@, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं और सबमिट करेंगे। तो देखिए अब हमारा जो फाइल है इस तरीके से भेजा गया। तो इस तरीके से आप फाइल इनपुट का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आप चलिए देखते हैं कि फ़ोन नंबर को कैसे किसी यूज़र से लेते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे फिर से एक डिप टैग खोलना होगा और इसके अंदर एक लेबल लिख देते हैं फॉर फोन और इस लेबल के अंदर हम लोग नाम लिख देते हैं फ़ोन और जस्ट इसके नीचे हम लोग लिखेंगे इनपुट और इनपुट में यहाँ पर टेल लिखना है। तो इस टेल से होता क्या है कि जब भी अगर कोई फ़ोन में आपका ये इनपुट को खोलेगा ना तो वहाँ पे आपका फ़ोन वाला कीबोर्ड आ जाएगा। जैसे इसमें सिर्फ नंबर लिखने वाला कीबोर्ड नहीं आता है, वो आ जाता है अगर ये ऑप्शन का आप लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग नेम में फ़ोन लिख देते हैं और आईडी में हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फ़ोन। ठीक है, फ़ोन स्पेसिफाई करना है और इसे हम लोग सेव कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, फ़ोन नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि अगर आप यूज़र से नंबर इनपुट कराना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा। तो नंबर इनपुट भी काफ़ी आसान है, इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, एक और डिप टैग खोलना है और इसके जस्ट अंदर एक लेबल लिख देते हैं, मान लीजिए एज हम लोग को किसी का लेना है। ठीक है, तो एज लेने के लिए यहाँ पर हम लोग एज लिख देते हैं और इनपुट में हम लोग लिख देते हैं नंबर, नंबर के लिए है नंबर पूरा आपको लिखना होगा और इसके जस्ट नीचे अब हम लोग नेम में एज लिख देंगे, आईडी में एज लिख देंगे और इसे सेव कर देंगे। ठीक है, तो इसको जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पे नंबर चुनने आ रहा है। तो इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आपका नंबर लिखाएगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं स्पेसिफिक कैटेगरी के यहाँ पे नंबर, यानी कुछ स्पेसिफिक कैटेगरी के यहाँ पे एज ही यहाँ पे कोई डाल सके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे करना होगा। जैसे मान लीजिए मिनिमम एज हम लोग लिख देते हैं मिनिमम, उसके अंदर 18 डाल देते हैं और मैक्स यहाँ पे 35 डाल देते, तो इसके अंदर ही यहाँ पे इनपुट कोई डाल सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 18 से, और यहाँ कब तक जाएगा, 35 तक। अगर मैं यहाँ कुछ भी डालूंगा 40 अबव तो यहाँ पे, और मैं इसे सबमिट करूँगा तो इरर आएगा। देखिएगा मैं कुछ भी यहाँ जिब्रिश का फिर से डाल देता हूँ।
इसमें आप देखिए मैं सबमिट करूंगा तो बोल रहा है कि आपका 35 से इक्वल और लेस देन होना चाहिए तभी आपका होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा क्या है। तो दूसरा यहाँ पे एक डेट डालने का है, यहाँ पे इनपुट डेट डालने में काफ़ी आसान है। तो यहाँ पे हम लोग एक और डिप खोलेंगे, इसके अंदर लेबल लिखेंगे और इसके अंदर हम लोग लिख देंगे डेट और यहाँ पे डेट, और इसके जस्ट नीचे एक इनपुट खोलना है और इस टाइप में आपको लिखना है डेट और इसे सेव कर देना है। तो जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपको डेट चुनने का ऑप्शन कितना अच्छा आ रहा है, कुछ भी आप चुन सकते हैं। तो यहाँ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि कितना कितना डेट्स यहाँ पे ये चलेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है मिन, और मिन के अंदर आपको डेट दे देना है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2025-6, ठीक है। तो इसको अगर आप सेव करते हो तो आपका जो डेट है उसके पीछे नहीं जाएगा। तो देखिए यहाँ मैंने 6 चुना था तो ये सब काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप मिनिमम और मैक्सिमम एज जो भी डेट है उसको भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैक्स आप लिख लेते हैं तो, और मैक्स में मैं इसे कॉपी करके 1 मंथ बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 6 कर देता हूँ। तो इतना से इतना ही डेट के बीच में यूज़र चुन सकते हैं, उसके बाद नहीं चुन सकते। तो देखिए जून मई से लेकर जून तक यहाँ पे चुना जा सकता है। तो अब हम लोग ने डेट का इस्तेमाल देख लिया, और यहाँ पे एक यूआरएल का भी होता है, तो चलिए हम यूआरएल देख लेते हैं। तो यूआरएल आपको लेबल लेना है और इसके अंदर फॉर यूआरएल यहाँ भी यूआरएल डाल देते हैं, और यहाँ पे आप क्या करें इनपुट में स्पेसिफाई कर दीजिए यूआरएल यूआरएल, और यहाँ पे आपको जानना नेम में यूआरएल, नेम के बाद आईडी भी URL। तो URL में आप क्या कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट का लिंक विंक डाल सकते हैं। तो ये भी एक इनपुट टाइप था। तो चलिए अब थोड़ा बढ़िया वाला इनपुट देख लेते हैं। तो एक बटन का यहाँ पे है चेंज, जैसे मान लीजिए कि अब मैं बटन क्रिएट कर रहा हूँ और बटन में एक रीसेट का ऑप्शन भी आप डाल सकते हैं। तो मान लीजिए इस पर कोई भी क्लिक करेगा तो आपका जितना भी डिफॉल्ट वैल्यू होगा वही आ जाएगा, यहाँ पे शो करेगा। तो मैं यहाँ पे आपको टाइप में आपको लिखना है रीसेट, ठीक है। तो अब इस बटन पे कोई भी टिक करेगा तो पूरा आपका रीसेट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ और इस बटन पे मैं जैसे ही दाबूंगा तो देखिएगा रीसेट हो जाएगा, रीसेट। तो इस तरीके से रीसेट हो जाता है। तो चलिए अगर आपको कोई कमेंट लिखवाना है किसी से तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक खोलना होगा टेक्स्ट एरिया। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लोग नाम लिख देते हैं कमेंट, ठीक है, और आईडी में भी हम लोग लिख देंगे कमेंट, और इसके जस्ट उस पर एक लेबल दे देते हैं और लेबल में लिख देते हैं कमेंट और इसे सेव कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखने का आ गया। तो यहाँ पे कोई भी जाके कुछ भी टाइप कर सकता है। अगर आपको यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो इसके अंदर आपको लिखना होगा डिफॉल्ट वैल्यू। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे आप टेक्स्ट एरिया का यूज़ करा के यहाँ पे ले सकते हो, और ये टेक्स्ट एरिया भी आपका सेल्फ क्लोजिंग नहीं है, आपको यहाँ पे क्लोज करना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में काफ़ी चीज़ों मैंने फॉर्म के बारे में बता दी। तो अगर आपको और भी फॉर्म के बारे में जानना है तो आप क्या कर सकते हैं, W3 School को W3S सर्च मारिए और उसके अंदर यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर्म एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे चीज़ें यहाँ पे मिलेंगे फॉर्म्स में। तो सारी चीज़ें तो मैं सिंगल वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ इतने टाइप के यहाँ पे इनपुट होते हैं और यहाँ पे एट्रीब्यूट का यहाँ पे अच्छे से इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो मैंने आपको कॉमन जो था जो ज़्यादा यूज़ होता था वो बता दिया। तो चलिए एक क्विक रिकैप ले लेते हैं कि इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि कैसे हम लोग एक इनपुट टैग बना सकते हैं और कैसे यूज़र का डेटा ले सकते हैं, एक लेबल क्रिएट कर सकते हैं, और उसी तरीके से काफ़ी सारे टाइप होते हैं, जैसे पासवर्ड एक टाइप हो गया और उसी तरह का मेल हो गया, चेकबॉक्स हो गया, चेकबॉक्स से हम लोग यूज़र का ऑप्शन लेवा सकते हैं या फिर यहाँ पे एक स्पेसिफिक ऑप्शन भी सिलेक्ट करवा सकते हैं अगर हम लोग रेडियो का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑप्शन है जहाँ पे आप ऑप्शन को सेलेक्ट करवा सकते हैं। अगर फाइल अगर इनपुट में लेना है तो फाइल भी ले सकते हैं, और अगर आपको फ़ोन नंबर लिखवाना है तो इस टाइप में टेलीफोन का यूज़ करवा सकते हैं, और नंबर के लिए आप नंबर यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो डेट के लिए यहाँ पर डेट था, और URL और कमेंट्स के लिए काफ़ी चीज़ें थी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।